दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल अशोक IT3 में आपका फिर से। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप गूगल मीट कैसे यूज करेंगे ऐप, इसके सारे फीचर्स के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, अगर आप कुछ भी स्किप करेंगे तो वो पार्ट इम्पोर्टेंट कोई भी हो सकता है जो आपसे छूट जाए और बाद में आपको गूगल मीट ऐप यूज करने में कोई आपको समस्या हो। और तो इसी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा जो कि हम सारे स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे जो एडमिन होता है और जो गूगल मीट यानी जो गूगल मीट पे मीटिंग को देख रहा होता है वो दोनों के बारे में हम आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा और आखिरी तक। तो दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मान लिया है कि मेन एडमिन ये वाला मोबाइल है और इस मोबाइल से हम आपको इसमें बताएंगे, यानी कि मान लिया कि कोई इसमें मतलब मीटिंग को ज्वाइन करेगा तो वो ये फोन होगा और ये एडमिन बना के हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो मान लिया कि कोई एडमिन है, वो आपको लिंक शेयर किया तो लिंक कैसे शेयर करेगा वो भी हम आपको बता देते हैं और कैसे लिंक क्रिएट की जाते हैं। तो इसके लिए गूगल मीट ऐप को ओपन करेंगे। तो दोस्तों आपको मेन फोकस जो करना है वो इस वाले फोन पे करना है, क्योंकि आप गूगल मीट पे जो लिंक जो भी मीटिंग होगी जिसको ज्वाइन करेंगे वो कैसे यूज करेंगे वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस पे बताएंगे। और इस पे आप ध्यानपूर्वक देखना है, ध्यान इस पे ज्यादा देना है और इस पे कम ध्यान देना है। तो इसको भी साथ में हम आपको बता रहे हैं आपकी नॉलेज के लिए, इसलिए कि आप समझ जाएं कि जो एडमिन होता है वो क्या एक्टिविटी करता है और आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, जब कोई न्यू मीटिंग की लिंक क्रिएट करनी होती है एडमिन को तो वो कैसे करता है वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे ये नीचे न्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, करता है एडमिन। और उसके बाद ये क्रिएट लिंक पे अगर क्लिक करेगा तो जो लिंक यहाँ पे जनरेट होगी वो डायरेक्टली तुरंत के तुरंत अगर किसी को आप भेजेंगे और तुरंत के तुरंत अगर वो मीटिंग स्टार्ट करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन अगर शेड्यूल कोई बनाता है, कोई टाइम पीरियड फिक्स कर देता है कि इतने बजे आपको मीटिंग अटेंड करना है, तो इसके लिए होता है शेड्यूल वाला, ये शेड्यूल वाला ऑप्शन होता है। और न्यू ग्रुप वाला, ग्रुप अगर सिर्फ किसी का ग्रुप सेलेक्टेड ही है, कोई ग्रुप यानी सेलेक्टेड आप करना चाहते हैं, सिर्फ उतने लोग ही मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो, तो उसके लिए न्यू ग्रुप वाला ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं क्रिएट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ आपको इसके फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं। ये फीचर्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आप क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे लिंक क्रिएट हो गई है। अब क्या करना है, यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। शेयर पे आप क्लिक करिएगा और जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास व्हाट्सअप आएगा, या किसी के भी माध्यम से आप मेल भी कर सकते हैं, या बहुत सारे मेथड होते हैं जिसको आप भेजना चाहते हैं। सबसे आगे व्हाट्सअप भी चलता है, तो व्हाट्सअप से हम भेज देते हैं। तो व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे और इसी नंबर पे हम सबसे ऊपर वाले नंबर पे हम सेंड कर लेते हैं, क्योंकि वो सबसे ऊपर जो नंबर है वो इस वाले फोन का है। तो दोस्तों ये यहाँ पे सेंड करने का ऑप्शन आ गया है और ये हम यहाँ पे सेंड कर दिए हैं। यहाँ पे दोस्तों दूसरे वाले फोन में ये लिंक आने वाला है, ये लिंक आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लिंक को ओपन कर लेंगे अपने व्हाट्सएप में। ये दोस्तों यहाँ पे लिंक आ चुकी है और इसको ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें तो ओपन करेंगे ही करेंगे, यहाँ पे जैसे इस पे ओपन करेंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब इसी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हमने लिंक क्रिएट की हुई है, तो इसके लिए हम अपने जूम ऐप पे चले जाएंगे और जूम ऐप पे जाने के बाद ज्वाइन मीटिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ज्वाइन मीटिंग वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये ज्वाइन मीटिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है और अब यहाँ पे जिस बंदे के पास ये लिंक गया है तो जैसे वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो उससे मेल पूछेगा, तो जो भी मेल उसकी होगी तो वो मेल यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे अशोक कुमार के नाम से हमारी नीचे वाली मेल है और इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर मल्टीपल मेल है तो आप अपनी मेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और मल्टीपल, उसके बाद ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आस्क टू ज्वाइन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आस्क टू ज्वाइन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एडमिन वाले में भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन रहेगा। यहाँ पे ज्वाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तभी यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ज्वाइन, जैसे यहाँ पे ज्वाइन स्टार्ट करेंगे और जब आप इस वाले फोन में ज्वाइन करेंगे यानी कि प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, तो जब तक आप यहाँ पे एडमिन वाले ऑप्शन पे नहीं क्लिक करेगा, जो मेन एडमिन होगा, अगर एडमिन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर डिनाई एंट्री अगर क्लिक कर देंगे तो ये मीटिंग यहाँ पे दूसरे वाले फोन में ये खत्म हो जाएगी, कट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एडमिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, यानी कि
एडमिन को एडमिन वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक कर देगा ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम म्यूट कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है ये दोस्तों आप देखिएगा। अब यहाँ पे हम सभी फीचर्स के बारे में यहाँ पे बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल कॉलिंग की तरह बिल्कुल चल रहा है, जैसे वीडियो कॉलिंग होती है वैसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है ये है रेड कलर का, जो फोन का आइकन है, डायलर का आइकन है, अगर इस पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरी मीटिंग हमारी कट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे फिर दूसरा ऑप्शन ये है वीडियो वाला, अगर इसको वीडियो को पॉज करना चाहते हैं तो वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे जिसकी मीटिंग है हम उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो यानी कि जो मीटिंग को ज्वाइन करेगा उसके बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है सबसे पहला वाला है वीडियो वाला, तो वीडियो वाले ऑप्शन को अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो इसमें ये वीडियो चालू हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे परमिशन मांगेगा, तो इसको अलाउ कर दीजिएगा। और जैसे हम अलाउ कर देंगे तो ये दोस्तों यहाँ पे वीडियो इसमें भी चालू हो गया है। लेकिन अगर आप अपना वीडियो नहीं दिखाना चाहते हैं तो उसको आप पॉज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये वीडियो ऑप्शन बंद हो जाएगा। और अगर माइक यानी कि माइक अगर आप इसको ओपन नहीं करेंगे तो फिर सामने वाले बंदे के पास आपकी आवाज नहीं जाएगी। अगर आप कोई भी मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बाद आपसे बोलने के लिए बोला जाए तो आप म्यूट हटा सकते हैं। तो म्यूट ऐसा आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे परमिशंस हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं इसलिए परमिशंस मांग रहा है। तो ये जैसे हम यहाँ पे म्यूट हटा देंगे तो हमारी आवाज जाने लगेगी। लेकिन हम अभी यहाँ पे म्यूट नहीं हटाने वाले हैं, इसलिए कि हटाए थे थोड़ी देर के लिए लेकिन यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है वीडियो बनाने में, तो इसलिए हम यहाँ पे ये म्यूट हटा दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे हैंड का, यानी कि अगर मीटिंग में कोई भी बहुत अच्छी बात हुई और उसके बाद या कोई भी आपसे बोला जाता है कि आप हैंड रेस करिए, तो हैंड रेस करने का ये तीसरा वाला ऑप्शन होता है। जैसे आपको हैंड रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो मीटिंग ले रहा होगा, जो आपको गाइड कर रहा होगा, उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे कि हमने हैंड रेस किया, तो यहाँ पे हैंड रेस हमारा आ गया है जो कि लिख के आ गया अशोक कुमार और हैंड शो कर गया, यानी कि हमने हाथ उठाया, इसका मतलब ये हुआ। और फिर दोस्तों आगे के हम यहाँ पे सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पे कैमरा चेंज करना चाहते हैं, फ्रंट से बैक में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे ऊपर ये एरो के ऑप्शन बने हुए हैं। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैमरा हमारा बैक हो जाएगा। यहाँ पे हम कैमरा चालू कर लेते हैं, अभी कैमरा चालू नहीं है। दोस्तों ये आप देखिएगा, ये कैमरा यहाँ पे ये बैक का लग गया है, फ्रंट का लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फ्रंट का कैमरा यहाँ पे लग गया है। अभी के लिए हम इसको पॉज करने वाले हैं, तो ये कैमरा हम पॉज कर दिए हैं। और अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे ये साउंड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो साउंड वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक स्पीकर वाला, अगर स्पीकर पे क्लिक करेंगे तो ये लाउड स्पीकर ऑन रहेगा, और दूसरा है फोन वाला, यानी कि अगर आप लाउड स्पीकर ऑन नहीं करना चाहते हैं, कान में सुनना चाहते हैं छोटे वाले स्पीकर में, तो फोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लेकिन आप बिल्कुल फाइनली म्यूट ही करना चाहते हैं कि कोई सामने की आवाज ही ना आए, मान लिया कि आप मीटिंग ले रहे हैं और मीटिंग को आप स्किप भी नहीं करना चाहते हो और उस मीटिंग को सुनना भी नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे टर्न ऑफ ऑडियो आउटपुट इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी मीटिंग चलती रहेगी और आप अपने फोन में भी यानी कि अपने फोन को जेब में भी रख सकते हैं, आपकी मीटिंग कंटिन्यू रहेगी। और अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल पे ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों उसी के नीचे आपको दिख रहा होगा ये म्यूट का एक ऑप्शन यहाँ पे भी बना है और नीचे का भी बना है। तो दोस्तों नीचे का जो म्यूट वाला ऑप्शन है वो आपके लिए फीचर काम करेगा, और ये जो ऊपर वाला म्यूट का ऑप्शन है इसका मतलब यह है कि सामने वाला बंदा म्यूट कर रखा है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे म्यूट हटाएंगे तो यहाँ पे ये म्यूट हट जाएगा, देखना ये म्यूट हटा देंगे तो वीडियो बनाने में दिक्कत होगी, आप ऐसे समझ लीजिएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे थ्री डॉट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, म्यूट है, पिन, अगर आप पिन कर देंगे किसी चीज को, तो मान लिया कि बहुत सारे लोगों की मीटिंग चल रही है तो आप जिसको म्यूट पिन कर देंगे तो उसका वाला वीडियो सबसे ऊपर ही रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन यहाँ पे आपको दिखाएगा, और इसको अभी हम कैंसिल करने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे फिर सबसे नीचे वाला थ्री डॉट पे हम क्लिक करेंगे, तो जैसे सबसे नीचे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है इन कॉल मैसेज, तो इन कॉल मैसेज पे अगर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों जिससे मीटिंग आप ले रहे होंगे, जिससे आप मीटिंग कर रहे हैं, तो उसको अगर आप कोई भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि हम यहाँ पे हाई लिख के यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे यहाँ पे हम हाई लिखेंगे तो जो मीटिंग ले रहा होगा, आपको जो गाइड कर रहा होगा, उसके पास ये मैसेज चला जाएगा। तो दोस्तों ये फीचर हो गया मैसेजिंग का। फिर नेक्स्ट हम आपको फीचर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बैक चले जाएंगे, फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, अगला ऑप्शन है स्क्रीन शेयर का। तो दोस्तों अगर आपको जो गाइड कर रहा होगा, अगर उसको आप अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए स्क्रीन शेयर पे आप क्लिक कर देंगे और स्टार्ट शेयरिंग पे क्लिक कर देंगे।
ये हमारी स्क्रीन यहाँ पे शेयर हो गई। दोस्तों देखिएगा जैसे यहाँ पे चल रहा है सेम वैसे यहाँ पे भी चल रहा है। अब दोस्तों अगर इसको होम पे क्लिक कर देंगे तो ये होम पे हो जाएगा और जो भी आप अपने फोन में एक्टिविटी करेंगे तो जो एडमिन आपको गाइड कर रहा होगा वहां पे उसकी सारी आप जो भी एक्टिविटी कर रहे होंगे अपने फोन में वो सब कुछ दिखाएगा। मान लिया जैसे यहाँ से एप्लीकेशन लाए, यहाँ पे एप्लीकेशन चालू हो गया, तो कुछ भी अपने फोन में करेंगे वो सारा सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। तो अभी हम इसको बैक करें, यहाँ पे बैक करके अपने होम पे फिर से अपनी मीटिंग पे चले जाएंगे और ये स्क्रीन शेयर हम यहाँ पे स्टॉप करने वाले हैं। तो दोस्तों ये हम यहाँ पे अभी स्टॉप कर दिए हैं और फिर अब हम फिर से यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया शो कैप्शन, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। शो कैप्शन का मतलब यह है कि आप कुछ भी जो बोल रहे हैं तो वो वर्ड में लिख के आएगा। तो फिलहाल इसके बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, हालांकि इसका कोई भी यूज कोई नहीं करता है, अगर फिर भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे शो कैप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग पे जाने के लिए बोल रहा है, तो सेटिंग पे आप चले जाएंगे तो सेटिंग पे आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है, आप अपने जिस लैंग्वेज में आप अपना कैप्शन चालू करना चाहते हैं यानी जिस लैंग्वेज में अपने वर्ड्स को आप परमिशन देना चाहते हैं वो वर्ड उसी लैंग्वेज में बन के लिख के आएंगे। तो इसको अभी हम यहाँ पे कैंसिल करने वाले हैं और बैक अपने फिर से मीटिंग पे चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से मीटिंग पे हम अपने चले गए हैं और फिर से यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे चौथा ऑप्शन है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। अगर आप इस पर आप क्लिक करते हैं, इस पर अगर आपको एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है एप्लीकेशन पे तो आप यहां से फीडबैक दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसलिए होता है, फिर से हम इसको बैक जाएंगे और डिस्कार्ड कर देंगे, इसका मतलब ये होता है। फिर दोस्तों थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहां पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो दोस्तों सेटिंग वाले में जाके हम यहां से इसके बारे में सेटिंग भी कर सकते हैं, जो कि इसको भी हम यहाँ पे बैक करने वाले हैं और फिर से थ्री डॉट पे जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे है रिपोर्ट एब्यूज। दोस्तों आपकी मीटिंग में अगर कोई एब्यूज कर रहा है और उसकी भी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका भी रिपोर्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पे है एक्टिविटीज, यानी कि अगर ऐप के साथ ही अगर आप कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्टिविटीज पे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी एक्टिविटी यहाँ से कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं जो कि आप पीछे जाके आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको भी बैक करके हम अपने होम पे चले जाएंगे। तो दोस्तों गूगल मीट ऐप में इतने ही फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स हमने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत स्लो तरीके से हमने बताया हुआ है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर हो गया, इसलिए क्योंकि हम आपको हर एक फीचर्स के बारे में अच्छे तरीके से बता पाए। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप कॉमेंट्स करके जरूर बताएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन कॉल पर क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।